वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम सुदेशना फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल एंड वेलकम टू द थर्ड क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे इज हिंदी क्लास और आज हम हिंदी पढ़ेंगे. ठीक है, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है सरल या कठिन. सरल का अर्थ होता है आसान, कठिन का अर्थ होता है मुश्किल. ओके, तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह पाठ किसके बारे में है. यह पाठ अकबर के दरबार के बारे में है जहाँ पर बीरबल की बुद्धिमत्ता की जांच की जाती है. ठीक है, उसे सरल या कठिन जवाब पूछकर. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. बुद्धिमान बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे. उन्होंने अनेक बार अपने कार्यों अथवा प्रश्नों के उत्तरों से अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया. ऐसा ही एक किस्सा यहाँ दिया गया है, आओ पढ़ें. तो स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. इस पाठ में क्या है, बीरबल की बुद्धिमत्ता की जांच होती है. ठीक है, और बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे. नवरत्न जो कि बहुत ही समझदार, नवरत्न तो हम जैसे कि कोई हीरा हो गया, ठीक है, वो होता है. तो इंसान को इसलिए नवरत्न से संबोधित किया गया है क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही समझदार है, बहुत कीमती है. ठीक है, तो बीरबल उन्हीं में से एक थे. तो चलिए ये किस्सा पढ़ते हैं. एक दिन बादशाह अकबर के महल में उनका दरबार लगा था. बादशाह मतलब राजा. ठीक है, उनके सभी मंत्री नवरत्न व दरबारी बैठे हुए थे. तभी द्वारपाल ने आकर संदेश दिया, एक सज्जन पुरुष आपसे मिलना चाहते हैं. बादशाह ने उन्हें लाने का आदेश दिया. सज्जन पुरुष ने बादशाह के सामने सिर झुकाकर कहा, जहाँपनाह, मैं चाहता हूँ कि बीरबल मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर सिद्ध करे कि वे बुद्धिमान हैं, जैसा कि लोग उन्हें मानते हैं. बादशाह ने नज़र उठाकर बीरबल की ओर देखा. बीरबल बोले, मैं तैयार हूँ, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं. उसने कहा, बीरबल, तुम एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे या 100 सरल प्रश्नों का. मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, बीरबल ने कुछ सोचते हुए कहा. ठीक है, तो यह बताओ, पहले मुर्गी आई या अंडा, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा. पहले मुर्गी आई, बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया. आत्मविश्वास का अर्थ होता है पूरे विश्वास के साथ, जब हमें खुद पर पूरा विश्वास होता है. ठीक है, पर आप ये कैसे कह सकते हैं, उस आदमी ने यह प्रश्न कुछ इस तरह मुस्कुराकर पूछा मानो आप बीरबल फंस गए और वह जीत गया. आप मुझसे सिर्फ एक कठिन प्रश्न पूछने वाले थे जो आप पूछ चुके हैं और मैं उत्तर भी दे चुका हूँ. नियम के अनुसार अब आप मुझसे यह दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा. बीरबल की बात सुनते ही वह आदमी सिर झुकाकर दरबार से चला गया. बादशाह ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया. सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा किए बिना ना रह सके. तो देखा स्टूडेंट्स, बीरबल की चतुराई और समझदारी को. उन्होंने सिर्फ एक कठिन प्रश्न का आंसर दिया जब उस आदमी ने, सज्जन पुरुष ने दूसरा प्रश्न पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक प्रश्न पूछने के लिए कहा था ना, बस तो हो गया. ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें भी चतुराई से काम लेना चाहिए. ठीक है, जब कोई मुसीबत आती है. ठीक है स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है. तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स आज की क्लास. अगर नहीं आया
तो आप इस वीडियो को कई बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।